तो चलिए देखते हैं मेहरौली में स्थित दिलखुश, जो कि सर थॉमस मेटकाफ ने बनवाया था। ये जगह जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं एक पैसेज, ये एक फ्लाईओवर है बेसिकली, और इस समय इस जगह पे नदी हुआ बहा करती थी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक पुल पे खड़ा हूं। ये एक एंट्रेंस थी मेटकाफ हाउस में जाने की। मेटकाफ ने मेहरौली की जितनी जगह थी बहादुर शाह जफर से ऑक्यूपाई करके अपने रहने के लिए जगह बनाई, और उसने वहां पे इस बिल्डिंग के आसपास कई सारे अल्ट्रेशंस किए। मेटकाफ हाउस 3 स्टेजेस में बना हुआ, एक जिसे बोट हाउस बोलते, दूसरे में जैसे गुंबद या मकबरा, और तीसरा जो एरिया था वो था आपका इनका रेस्ट हाउस। जैसे हम लोग फ्लाईओवर से या मेटकाफ जो ब्रिज था उससे एंटर करते हैं, तो उसके राइट साइड पे बिल्कुल नदी के किनारे या जो इनका तालाब था उसके किनारे इन्होंने बोट हाउस बनाया। इस घर से मेटकाफ को इतना प्यार था कि अपनी बेटी को इन्होंने खत लिखा था एमली, और उसको इनवाइट किया था कि आप मेरे इस घर पे आइए, आके देखिए। और यहां तक कि एमली आई थी और उन्होंने अपने हनीमून भी यहीं पे मनाया था। ये जितनी जगह आप देख रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल लेक उन्होंने क्रिएट की थी। ये सारा पानी से भरा होता था उस समय, और ये उनका पुल। ये सारा जगह पानी से भरी हुई थी क्योंकि मेहरौली उस समय दिल्ली का हिल स्टेशन कहा जाता था या कहते थे, क्योंकि मेहरौली लोग आते थे, क्योंकि ये पहाड़ों पे बसा हुआ है, मेहरौली लोग आते थे छुट्टियां मनाने। तो इसी वजह से थॉमस मेटकाफ ने भी अपना जो समर हाउस था वो मेहरौली में बनाया। और इसका सेकंड पर्पस ये होता था क्योंकि बहादुर शाह जफर का जो जफर महल है वो भी मेहरौली में ही स्थित है, तो यहां से वो नजर रख सकते थे बहादुर शाह जफर के ऊपर भी। मुगल राज में ब्रिटिश एम्पायर के दखल के इन्हीं सब रीजंस की वजह से कहा जाता है कि बेगम जीनत महल ने मेटकाफ को जहर देके या स्लो पॉइजनिंग देके 1853 में मार डाला। बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये ब्रिटिश थ्योरी है, जबकि अगर आप मेटकाफ फैमिली की हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबकी जो एज थी वो 50 से 55 साल तक की रही है। इनके ब्रदर भी इसी एज के अंदर ही उनकी डेथ हुई, इनके फादर की भी उसी एज में ही डेथ हुई जिस एज में मेटकाफ की डेथ हुई है, और इनके आगे बेटी की भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं ब्रिटिश ने अपने आप को सही ठहराने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मुगल्स के जो जमीन थी उनको ऑक्यूपाई करने के लिए ये थ्योरी बनाई, और इनकी डेथ के 4 साल के बाद ही 1857 का गदर हुआ के साथ। और ये अकेला टाइम बिताना पसंद करते थे। अपनी चिट्ठियों में भी एमली ने जिक्र किया है कि उनके फादर इतना ज़्यादा अधिक अकेला रहने के आदि हो गए थे कि उनको भीड़ से डर लगता था, या उनको भीड़ के नाम से ही गुस्सा चढ़ जाता था, जिस वजह से बच्चे जो इनके थे वो इनको छोड़ के चले गए थे। और मेटकाफ हाउस 1857 के गदर में क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि ये दिलकुश जो था, क्योंकि इस पे बहादुर शाह जफर की भी नजर थी, इसके ऊपर ऑक्यूपाई नहीं हुआ कुछ, इसको गदर के टाइम पे ये बचा रहा। ये बरांडा एरिया, ये इनकी गैलरी, ये देखिए।
जब बोट हाउस से हम निकलते हैं तो ये सीढ़ियाँ उनके ड्राइंग रूम की तरफ जाती हैं। आप अगर ये डिज़ाइन देखें तो आप समझ सकते हैं कि एक समय में यहाँ पे सीढ़ियों के साथ में पानी बहता था और पानी बहते हुए अंडरग्राउंड होते हुए ये सामने बोट हाउस जो था उसमें गिरता था और ये उनका पुल। ये जो जगह थी जो बिलियर्ड्स रूम था एक्चुअली में ये एक मकबरा था कुली खां का। अब कुली खां कौन थे? अगर आपने मूवी देखी है जोधा अकबर तो उसके अंदर अकबर एक आदमी को सजा देता है कि इनको महल की छत से गिरा दिया जाए और उनको फेंकवाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मरते तो उनको दोबारा फेंका जाता है। ये शख्स थे आदम खां। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इनके बारे में जिक्र किया है। ये अकबर के सेनापति थे और आदम खां के छोटे जो भाई थे उनका नाम था कुली खां। जी हाँ, ये महामंगा के बेटे और आदम खां के छोटे भाई थे जिनका की मकबरा थॉमस मेटकाफ ने अपने लिए यूज किया। तो चलिए देखते हैं कुली खां के मकबरे को जिसको कि मेटकाफ ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और रहने योग्य बनाया। ये जो भी स्ट्रक्चर है ये मेटकाफ के विलय का एक पार्ट ही था। इस जगह को फिर उन्होंने अपने हिसाब से रेनोवेट किया। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर था ये ऑक्टोगोनल स्ट्रक्चर था जैसा कि मकबरे हुआ करते थे, लेकिन मेटकाफ ने इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन्होंने खुद लिखा है कि इस जगह से कुतुब का व्यू बहुत ही शानदार दिखता था।